बिहार और झारखंड में ऐसे दूल्हे भरमार पड़े हैं जो दिन रात अपनी दुल्हन को टकटकी लगाए देखते रहते हैं, परंतु कभी उनसे बातचीत नहीं करते, ना ही कभी अपने विवाह स्थल से बाहर निकल पाते। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ऐसा दूल्हा कौन? चलिए आपको हम बता दें कि ये दूल्हे बरगद के लकड़ी से बने होते हैं जिनकी शादी कुएं से करा दी जाती है। ऐसा ही हुआ है बकरी प्रखंड की राटन पंचायत वार्ड नंबर 11 में। हर एक गांव में पहले ज़माने में कुआं ही बनाया जाता था और गांव में कुआं हर एक जगह है, तो सरकार ने भी यह निर्णय लिया गया है कि जल स्रोत के लिए भूगर्भ का जल नीचे नहीं जाए, इसके लिए कुआं को जिंदा किया जाए और कुआं में पानी रहना चाहिए। कुआं में पानी रहेगा तो आसपास के क्षेत्र में उसका जलस्तर नीचे नहीं जाएगा। इस दृष्टिकोण से भी कुआं की शादी जो करके और कुआं को जिंदा करने की जो बात की जा रही है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस रस्म के बहाने भी एक नया संदेश दिया जा रहा है और इस पर हम तमाम लोगों को अमल करने की आवश्यकता है कि गांव में कुआं, जितने भी कुआं हैं उनको जिंदा किया जाए, उसमें पानी रहे, इसकी व्यवस्था की जाए। इससे हमारे समाज पर पर्यावरणीय संकट जो उभरते जा रहा है इससे बचाव हो सकता है। जिस तरह हमारे बेटी का शादी होता है उसी तरह आज हमारे युवक लोग को मन हुआ जो माँ कमला को लगन सेट कर कर को आज शुभ दिन है, बहुत शुभ दिन है। इतना शुभ दिन है कि सरस्वती पूजा है, 26 जनवरी है। दिन से पुराना कुआं से लोग पानी पी रहे थे, संजोग वक्ष पंचायत राज अधिनियम के तहत कुआं का उड़ाहीकरण सुशोधनीकरण का काम किया गया। इस पर टोला के सारे जो लोग हैं, हमारे जो तांती टोला में वार्ड नंबर 11 हम जो बसे हुए हैं, इन लोगों को इस कुआं से बहुत बड़ा लाभान्वित का काम होता था। हर विधवा व्यवहार करने में बहुत कठिनाई हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने इसको कहा कि शादी करवा देंगे तो हमारे भी इस जगह पर विध व्यवहार करने के लिए सही रहेगा। और 250-300 आदमी खाना पीना के साथ किए हैं। कुआं कभी कभी गूंज रहा था तो गूंज की आवाज़ कभी कभी सुनाई पड़ता 12-1 बजे रात में। इस बात पर गौर के बहुत लोग बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो शादी नहीं करवा ले, इसलिए ऐसे गूंज रहा है। नए ब्याह कलखनी आ सब युवक होले हैं तो सब सहयोग दे के आ इनार के सब मिल के अपना जितना छथनी सब मिल के अपना इनार के शादी करे छथनी। मैं इंदू सामुदायिक संवाददाता इंडिया आनंद के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।